आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज में ऑपरेशन ऑन एरे के साथ काम करना सीखेंगे। एरे के बारे में हमने आपको बताया था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम दैट्स हियर आर कॉमनली। अगर हमारे पास एक लास्ट सेट ऑफ डेटा है तो उस डेटा को मेंटेन करने के लिए हम लोग एरे डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। अरे हमें कहता है कि इफ वी हैव टू स्टोर 100 डिफरेंट स्टूडेंट रोल अलोंग विद देयर मार्क्स सो वी कैन टेक एरे टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड वी कैन कीप दिस ऑल डेटा इनटू इट। एरे को कहा गया है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन सिंपली से एरे डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी चीज का एक डेटा का सेट जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो उसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, तो आपके पास अगर एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर है सो वी कैन जस्ट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन अपॉन देम। अब ये डिफरेंट ऑपरेशन का मतलब क्या हो, जैसे मान लो आपके पास 100 स्टूडेंट का रोल और मार्क्स है एंड इफ वी हैव टू डिस्प्ले इट और हमें उसे दिखाना है सो इसे हम लोग ऑपरेशन में कर सकते हैं दिस इज द ट्रावर्सल। We are going to display the particular information on screen. This operation is called traversal. Second thing is that suppose if you are having a number of records and you have to find the particular records from the list of array, so that is called your searching. So the दूसरा operation की बात कर रहे हैं, ये हमारा searching हो। उसी तरह से बात आती है कि आपके पास एक last set of data है एंड आप अगर उस data को चाहते हो कि एक proper सीक्वेंस में अरेंज करके रखें जिसे हम लोग कह सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में रखें, तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहें। आपके पास 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स है और आप चाहते हैं कि उन मार्क्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके रखें या अरेंज करके रखें, जिससे कि मुझे उस डेटा को पिक करने में या उसे फाइंड करने में, किसी स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करने में सुविधा हो, तो इस ऑपरेशन को हम लोग सॉर्टिंग कहें। सो हमने अगर बात करें कि सी में ऑपरेशन ऑन एरे, सी लैंग्वेज में अगर एरे के साथ ऑपरेशन की बात करें तो हम कर सकते हैं येस वी कैन परफॉर्म ट्रावर्सल, सेकेंड थिंग इज योर सर्चिंग, थर्ड इज योर सॉर्टिंग, येस वी कैन परफॉर्म सॉर्टिंग ऑपरेशन ऑल्सो, नेक्स्ट कैन बी योर स्प्लिटिंग, येस सपोज एक लार्ज रिकॉर्ड है और आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पोजिशन से उसको हम ब्रेक कर दें, मैंने बांट दे दो अलग अलग पार्ट में, उसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, उसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है एक और मर्जिंग, यस अगर मेरे पास दो अलग अलग रिकॉर्ड्स के सेट हैं और हम चाहते हैं दोनों सेट को मिला दें तो उसे हम लोग कहेंगे मर्जिंग। तो ये सारे डिफरेंट ऑपरेशन हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और भी है, सपोज आपने एक डेटा का सेट तैयार कर रखा है एरे में जिसे आप डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो, अब आता है कि उसमें आपके एक लास्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स रखे हैं, आप चाहते हैं कि यू जस्ट वांट टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड्स, आप उसमें कुछ और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे इंसर्शन। आपने जो रिकॉर्ड दे रखा है उसमें से किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो ये आपका अपडेशन हो गया। आप चाहते हो कि आपके पास जो रिकॉर्ड है उसमें से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फर्दर नीड नहीं है, मुझे हटाना है, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। सो इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, दिस ऑल आर द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन एरे एंड सी लैंग्वेज हमें एरे में ये सारे टास्क परफॉर्म करने की सुविधा देता है। तो हम लोग इस सेशन में देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन एरे। हम लोग एरे में डिफरेंट ऑपरेशन की बात करते हैं। एरे के बारे में हमने आपको बताया कि एरे इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा, एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमें एक से ज़्यादा डेटा को एक साथ स्टोर करने की सुविधा परफॉर्म सो ऑपरेशन ऑफ एरे में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रावर्सल की। ट्रावर्सल क्या होता है, हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग एरे में ऑपरेशन की बात करें सो एरे इज अ लास्ट सेट ऑफ डेटा सो वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन अपॉन देम, दैट कैन बी योर ट्रावर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। सो बात हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रावर्सल से।
ट्रावर्सल की बात करें तो कहा गया है कि ट्रावर्सल इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। एरे में मान लीजिए आपने 100 स्टूडेंट का रोल मार्क्स रखा है या आपने 10 डिफरेंट प्लेयर्स के नेम और उनके स्कोर रखे हैं, आपने एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स रखे हैं, तो आप उनमें जो डिटेल्स आपने एरे में स्टोर करके रखा है उस डिटेल्स को आप एसेस कर रहे हैं, उसे हम लोग ट्रावर्सल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक एग्जांपल रखा है, यहाँ पे हमने दो अलग अलग एरे वेरिएबल ली है, एक रोल के लिए एक मार्क्स के लिए, और आप देख सकते हैं कि हमने 5 डिफरेंट स्टूडेंट के रोल नंबर लिए हैं और फिर हमने मार्क्स भी ले रखा है। सो यू हैव स्टोर्ड दिस ऑल रिकॉर्ड्स इन टू डिफरेंट एरे वेरिएबल्स रोल एंड मार्क्स। नाउ यू आर ट्राइंग टू एसेस दिस डेटा, सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। अब इधर यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इट टू परफॉर्म सम मैनिपुलेशन और यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्प्ले इट ऑन योर स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड योर ट्रैवर्सल। आप एरे में मौजूद डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए एसेस कर रहे हैं, ये भी आपका ट्रैवर्सल कहलाता है। तो चलिए हम लोग ट्रैवर्सल का एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक नया फाइल लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 20 नंबर्स इन एरे एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स। हम 20 नंबर्स लेते हैं और उसमें सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करते हैं। चलिए हेडर फाइल लिया हमने, यस आपका मेन, फिर आपको 20 वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करके एक एरे वेरिएबल ले लीजिए जिसकी साइज आपने 20 दे दी है, एक लूप वेरिएबल ले लीजिए। उसके बाद हमें प्राइम नंबर चेक करना है तो हमने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया, इसका इनिशियल वैल्यू 0 ले लिया। हमें यहाँ पे दो लूप चलाने होंगे, एक जे ले लिया, और इस तरह से फिर हम लोग अब मैसेज देते हैं इंटर एनी 20 नंबर्स। 20 नंबर्स हमको इनपुट कराना है, लूप चला दिया हमने यहाँ, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस। इस तरह से हमने 20 नंबर्स ले लिया। अब हमें इन 20 नंबर्स को इनपुट करने के बाद इसमें से जो जो प्राइम नंबर है उन्हें प्रिंट करना है, तो वापस फिर से हमें लूप लेना होगा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस। यहां हमें एक और लूप लेना होगा, उस नंबर के हाफ तक चलेगा, यहाँ जे प्लस प्लस कर देते हैं। ये हमने लूप प्राइम नंबर चेकिंग के लिए लिया है। अब यहाँ कंडीशन देते हैं, इफ ए ऑफ आई मॉडुलस
ए ऑफ आई मॉडुलस जे इक्वल्स टू जीरो, सो फ्लैग इक्वल्स टू वन। ये चेक करते रहेगा, इससे अगर बाहर आते हैं इफ फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम लोग प्रिंट करेंगे ए ऑफ आई को। और इस तरह से आपका टोटल प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने एक लूप लिया है जो 0 से 19 तक चलेगा और ए ऑफ 0 से ए ऑफ 19 लोकेशन में हमारे 20 नंबर इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद हमें हर नंबर को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, अगर वो प्राइम होगा तो उन्हें हमें प्रिंट करना है। इस काम को करने के लिए हमने फिर से 0 से 19 तक लूप चलाया है, हर वैल्यू को यहाँ से एरे वैल्यू को उठाएंगे, उसके बाद उसको प्राइम नंबर के लिए चेक करेंगे। प्राइम नंबर का लॉजिक हमने यहाँ दे रखा है, 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक हर एक से बारी बारी से डिवाइड कर रहे हैं। किसी से भी डिवाइड हो गया तो फ्लैग का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि वो प्राइम नंबर ही नहीं है। अगर एंड तक डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब फ्लैग का वैल्यू ज़ीरो ही रह जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में वो वैल्यू जो यहाँ से पास हुआ था वो हमारा प्राइम रहेगा और वो प्रिंट होगा। इस तरह से हम लोग एरे में स्टोर 20 नंबर से सिर्फ प्राइम नंबर को एक्सेस कर रहे हैं और स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो ट्रावर्सल, यह भी एक ट्रावर्सल है। चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं पहले, इसका नाम हम लोग रखते हैं t1.c। कंपाइल हो रहा है और इस तरह से आपका प्रॉपर कंपाइल हो गया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, गौर से देखेंगे आप लोग। नंबर हम लोग 20 डालना है तो हमने नंबर लिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। मैंने 2 से 20 तक नंबर लिया है, एक 21 भी दे दिया। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर किसको दिखा रहा है, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर 4, प्राइम नंबर 5, 6, 7 सबको दिखा दे रहा है। क्यों दिखा दे रहा है, एक मिनट, ओहो ए ऑफ आई यहाँ डिवाइड टू होना है। यहाँ पे हमने ए ऑफ आई डिवाइड टू होना है, हमने गलती किया, मॉडुलस नहीं होगा क्योंकि उसके हाफ तक से प्रिंट करना है। वापस कंपाइल करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए फिर से वैल्यू लेते हैं हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21। अब देख सकते हैं इसमें प्राइम नंबर दिखा रहा है आपका 2, प्राइम नंबर 3, हम यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, फ्लैग में वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ करेंगे क्योंकि हमें प्राइम नंबर चेकिंग का लॉजिक यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही अप्लाई करना है।
क्योंकि अगर आप फ्लैग का आउटर वैल्यू 0 लिख देंगे तो ये वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट हो जाएगा, अपडेट यहाँ होगा तो फिर ये भी अपडेट हो जाएगा, जिससे कि 2 और 3 दिखाने के बाद जब एक बार भी फ्लैग का वैल्यू अपडेट हो गया तो वापस नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमें हर बार जब वैल्यू सप्लाई हो तो फ्लैग अपने 0 पे आ जाना चाहिए, तभी वो प्रॉपर चेकिंग हो पाएगा। हमने यहाँ लिख दिया था जिसके चलते प्रॉब्लम आ रही थी। वापस रन कराते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 13, 17, 23। तो देखते हैं हम लोग इस प्रोग्राम में दिक्कत कहाँ था। हमारा प्रोग्राम में 2 दिक्कत था। हमने फ्लैग का जो वैल्यू 0 दिया वो यहाँ ना देके आपको फ्लैग इक्वल्स टू 0 यहाँ देना होगा, और हमने यहाँ पे गलती दिया था डिवाइडेड टू को। उसके बाद हमने इसको करेक्ट कर लिया, और करेक्ट करने के बाद फिर से कंपाइल और एक्सिक्यूट किया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसको देख के हम कह सकते हैं कि यस, एरे में अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेटा स्टोर है तो हम उसमें से किसी भी स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रावर्सिंग। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर सर्चिंग।